बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार, मुगले आजम हमाद से तशरीफ लाते हैं। ओ सॉरी सॉरी, गलत हो गया गलत हो गया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको नवाब ऑफ बालपुर का घर दिखाने वाला हूँ, जिसका नाम है नूर महल। तो आज चलते हैं। अभी हम एंटर हो रहे हैं। दोस्तों लाइक करना ना भूलिएगा, आप लोग हमेशा लाइक करना भूल जाते हैं। ये इतना अच्छा खूबसूरत पैलेस है, आप लोग देख सकते हैं। सेटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छी है, टेबल भी बहुत प्यारे हैं, फर्श भी बहुत अच्छी है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पैलेस है। फानूस भी लगे हुए हैं जगह जगह। बहुत खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें भी लगी है। ये कुछ इंफॉर्मेटिव बातें हैं लाहौर के बारे में। नज़दीक से तो मैं नहीं दिखा रहा, लेकिन जो आए तो ज़रूर देख सकता है। ये एक गैलरी है विजिटर्स के लिए, प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के बारे में ये लिखा हुआ है सब कुछ। बहुत सी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं यहाँ पे। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। ये पावर जनरेशन के बारे में है थोड़ी सी डिटेल। ये हज फैसिलिटीज़ के बारे में है। और ये उस टाइम का पोस्टल सिस्टम कैसा था। ये शेरबाग की कुछ तस्वीर लगी है। सुतलुज वैली प्रोजेक्ट के बारे में ये है। सारे रिवर के बारे में ये बना हुआ है। ये डिस्प्ले बॉक्स है, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। ये वर्दी देख सकते हैं आप लोग उनकी। ये वेपन गैलरी है, इसके अंदर बहुत 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 से असलाहे हैं। ये आप लोग तलवार देख सकते हैं। ये नवाब साहब को गिलाफ़े काबा गिफ्ट मिला था, ये उनकी तस्वीर है। ये नवाब साहब की तस्वीर है डिफरेंट एजेस की। एक टाइम ये ऐसे थे, फिर ऐसे हो गए। ये इस तरह की तस्वीरें हैं उनकी, बचपन से बुढ़ापे तक की। टोटल 4 पैलेसेज है बावलपुर में। ये इंटरैक्टिव कंप्यूटर डिस्प्ले है जिसको बच्चे देखते रहते हैं। ये नवाब साहब का रूम है। आजकल के दौर में भी इतने खूबसूरत कमरे नहीं होते। इतना प्यारा बेड है, इतना प्यारा सोफा। ये हज वैन है नवाब साहब की, जिसमें नवाब साहब हज पे गए थे। ये 3-4 डिटेल लिखी हुई है उसके उनके बारे में। ये नवाब साहब की काट है, ब्यूटीफुल काट। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एडवेंचर्स विद हमादा से।